प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिलीज रोकने की भाकंपा ने चुनाव आयोग से की मांग। नमस्कार, भाकपा के चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म की 12 अप्रैल को संभावित रिलीज को रोकने की मांग की। भाकपा के महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्रकार लिखकर कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस फिल्म को रिलीज को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रोका जाना चाहिए। रेड्डी ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी पर बनी पीएम नरेंद्र मोदी नामक फिल्म 12 अप्रैल को 23 भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा का पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को शुरू होकर 19 मई तक चलेगा। इस फिल्म की रिलीज चुनाव के दौरान ही होगी। उन्होंने चुनाव के दौरान इस फिल्म की रिलीज को महज चुनावी रणनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे मतदाताओं का प्रभावित होना तय है। रेड्डी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग के फिल्म की रिलीज पर 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने तक रोक लगाने का अनुरोध किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।